जिस चीज को दूसरे से लूट खसोट के कायम किए हैं अपना। बल्कि इसके डेथ के बाद तो बहुत ही तेजी से भरभराएगा किला। माफिया से पंगा लेने का और सरकार समर्थित जब माफिया हो तो नतीजा ये हुआ कि मुझे भाई मेरी तो सर्विस अभी 9.5 साल ही हुई थी जब मैं रिजाइन किया। 31-32 साल की सर्विस होती है हम लोग की। मुख्तार अंसारी की गुरुवार शाम को मौत हो गई। वो बांदा स्थित जिला कारागार में साल 2021 से बंद थे। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अंसारी की मौत के बाद पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने उससे जुड़ा एक किस्सा याद किया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्व डीएसपी ने कहा कि जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा उसे मिलता है। जिस डर के साम्राज्य से इसने अपना आर्थिक साम्राज्य बनाया था, लोगों को डराया धमकाया भी था। जब वो खत्म हो गया और वो आर्थिक साम्राज्य इसकी आंखों के सामने ढहने लगा तो मुख्तार अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पाया। इससे यही साबित होता है कि सच की हमेशा जीत होती है। भले ही 20 साल लगे लेकिन जीत विश्वास और सच की हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह सर, जिन्होंने उन पे पोटा लगाया और उसके बाद से जिस तरह से इन्हें प्रताड़ित किया गया और पुलिस डिपार्टमेंट से इस्तीफा देने पर मजबूर करना पड़ा। आइए उनसे सुनते हैं उनकी पूरी कहानी और पहली प्रतिक्रिया जानते हैं मुख्तार अंसारी की मौत पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। मेरी तो पहली प्रतिक्रिया कल जब मैंने न्यूज़ के माध्यम से देखा तो मैंने कहा जो व्यक्ति जैसा करता है वो सामने आता है। जिस डर के साम्राज्य से इसने अपना आर्थिक साम्राज्य बनाया था, लोगों को डराया धमकाया था, जब वो सब ख़त्म हो गया और वो आर्थिक साम्राज्य ढहने लगा इसकी आंखों के सामने, तो वही डर इसके अंदर बैठ गया और अंत में इसके डर के मारे हार्ट अटैक के कारण इसकी मौत हो गई। तो यही सामने आया कि सच की जीत होती है। देर ज़रूर होता है। भगवान राम भी 14 बरस का वनवास था, हमारे में तो 20 साल लगा, लेकिन वो चीज़ सामने आई और अंत में फिर वही विश्वास कायम हुआ कि सच जीतता है, देर ज़रूर होती है। जिस चीज़ को दूसरे से लूट खसोट के कायम किए हैं, अपना साम्राज्य बनाया, वो अब ख़त्म हो गया। और शुरुआत कल के इसके डेथ के बाद तो बहुत ही तेज़ी से भरभराएगा किला। जैसे अतीक के ख़त्म होने के बाद उसकी पत्नी भगोड़ा है, इनकी भी पत्नी भगोड़ा घोषित हैं, वॉन्टेड हैं, इनके बेटे जेल में हैं, तो ऐसी दशा में अब मुझे नहीं लगता कि अब ये संभाल पाएंगे अपना साम्राज्य, वो खत्म हो गया है। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 17 साल हम लोगों का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, तो कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते हैं, ये भी कोई नहीं जानता था। उन्होंने ये भी कहा कि शायद हम नौकरी में रहे होते ये पक्ष कोई देख नहीं पाता कि पुलिस पर किस तरह का दबाव होता है। मैंने अपनी जान जोखिम में डाली। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद अगर कहीं प्राइवेट जॉब भी करता तो कंपनी पर मुझे निकलवाने के लिए कॉल आ जाते थे। किराए पर मकान नहीं मिलता था, रात में सामान कहीं रख दिया तो सुबह खाली करना पड़ता था। भाई मेरी तो सर्विस अभी 9.5 साल ही हुई थी जब मैं रिजाइन किया। 31-32 साल की सर्विस होती है हम लोग की, तो वो बात तो ख़त्म हो गई कि हमें सर्विस का कोई एडवांटेज नहीं मिलना। 20 साल बाद ही अगर आप PRS लेते हैं तो पेंशन मिलती है, तो वो सब कोई तो एडवांटेज नहीं मिला। हाँ, एक माफिया से पंगा लेने का और सरकार समर्थित जब माफिया हो तो नतीजा ये हुआ कि मुझे रिज़ाइन करने के बाद भी न कहीं अपनी आजीविका के लिए कोई नौकरी मिलती थी, कहीं ज्वाइन करूं तो फ़ोन चले जाते थे इनको, तो हटाना पड़ता था उन लोगों को। किराए का मकान ढूंढना था, मेरे पास अपना मकान नहीं था तो वो भी नहीं मिलते थे। सामान रात में रखा तो सवेरे खाली करना पड़ता था, तो वो भी दौर देखा मैंने, क्योंकि बिना कोई नौकरी के आपको लोन नहीं मिलता, बैंक नहीं देता, पे स्लिप होती तभी मिलता है। और मैंने एकाएक सब छोड़ा था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो ये विकट परिस्थिति थी उस समय। जान का खतरा अलग था, इन लोग की सरकार थी, हमारे जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं होती थी। मुकदमे इतने मेरे ऊपर लाद दिए गए कि मुझे लाइसेंस भी, आर्म्स लाइसेंस आज तक नहीं मिला मुझे। अब भले ख़त्म हो गया, लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन अब मैं जिस काम में कर रहा हूँ उसमें मुझे ज़रूरत नहीं लगती। पासपोर्ट मेरा नहीं बन पा रहा था, तो बहुत दुश्वारियाँ हुई। परिवार हमारा किस परिस्थिति में जिया वो मैं जानता हूँ, तो अब वो बीत गया, उस पर ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। लेकिन खुशी इस बात की है कि सच की जीत हुई। लोकल 18 लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।